यस माय डियर क्लास 4, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू बेटा। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट योर होम। बेटा आपका ये साल जो है, ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप इसमें और भी अच्छा पढ़ें। हमारा 2020 जो था, मार्च के बाद आप स्कूल नहीं आ पाए, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा 2021 हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और हम फिर से स्कूल में एक साथ मिलकर आप बैठेंगे, मुझसे पढ़ेंगे और मैं आपको फिर फेस टू फेस आपकी क्लास लूंगी। इसी होप के साथ बेटा हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू ईयर पे फर्स्ट डे की। न्यू ईयर का जो 1 जनवरी फर्स्ट डे है 2021 ईयर का, उसमें बेटा आपको पता है हम एक्सरसाइज 9.2 फिनिश कर चुके थे, कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने आपको। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 एंड 8 कट हो गए हैं बेटा, वो आपके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी होल्डिंग कैपेसिटी लीटर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसीलिए कुछ मैंने कल आपको समझा दिए थे, पर फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 8 नहीं आएंगे। अब हमें सिर्फ करने हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर आवर एक्सरसाइज, वी आर डूइंग 9.3 एंड क्वेश्चन नंबर, नॉट फर्स्ट, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। बेटा हमें क्वेश्चन दिया है कि रवि बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, 1 kg ऑफ मैंगोज, 1 kg मैंगोज, 500 ग्राम ऑफ एप्रिकॉट्स, 1 kg 250 ग्राम ऑफ ग्रेप्स एंड 750 ग्राम ऑफ बनानास। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द फ्रूट्स ही बॉट? मास यानी उसका टोटल कितना वजन, वेट कितना था। टोटल वेट पूछा हमसे, इट मीन्स क्या करना है हमें, यहाँ पे ऐड करना है ना? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में क्या है। मैंगोज है, एप्रिकॉट्स है, ग्रेप्स है एंड बनानाज है। तो हमें सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वेट ऑफ, फर्स्ट क्या गिवन है, मैंगोज, राइट हियर मैंगोज। अच्छा, देन नेक्स्ट हमें जो गिवन है एप्रिकॉट्स, ओके, राइट हियर एप्रिकॉट्स। देन अगेन यस, इन नेक्स्ट वेट ऑफ ग्रेप्स, राइट है, ग्रेप्स है ना। एट लास्ट वी हैव वेट ऑफ बनानास। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, हम देखते हैं हमें वेट गिवन किसमें, केजी एंड ग्राम में। तो आप यहां लिखेंगे केजी, यहां लिखेंगे ग्राम। अच्छा, जो मैंगोज है उसका वेट कितना है, 1 kg, ओके। देन एप्रिकॉट से 500 ग्राम, यानी हमें यहाँ पे केजी गिवन नहीं है और 500 ग्राम। दूसरा केजी गिवन था, ग्राम नहीं था, ग्राम में 3 0s आएंगे यहाँ पे आपके। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास में बेटा ग्रेप्स का वेट कितने है, 1 kg 250 ग्राम। एट लास्ट वी हैव 750 ग्राम बनानास। जस्ट राइट इट हियर एंड पुट हियर 0। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल वेट, या आप टोटल मास भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करना आता है, चलिए फटाफट ऐड करके बताइए कितना आंसर होगा। यस 0, 10 5 + 5 10, 1 carry, अगेन 6 7 8 + 7 15, 1 carry, 1 2 3, यानी टोटल वेट कितना है बेटा, 3 kg 500 ग्राम। क्लियर है ना? नाउ बहुत इजी था क्वेश्चन, हमें टोटल वेट फाइंड आउट करना था। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा टिपिकल है जो आपको क्या को प्रॉब्लम हो जिसमें सॉल्यूशन करने में।
क्वेश्चन नंबर वर्स्ट फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने फिनिश कर दिया। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर, क्योंकि थर्ड कट हो चुका है लीटर का। ये आपसे कहता है द हाइट ऑफ अ बुक शेल्फ, क्वेश्चन नंबर फोर है ना बेटे। क्वेश्चन नंबर फोर में हमने देखा कि एक बुक शेल्फ है और उसकी हाइट कितनी है बेटा, 80 सेंटीमीटर। क्लियर। इट इज कैप्ट ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड ऑफ हाइट 1 मीटर 45 सेंटीमीटर। एक बुक शेल्फ की टोटल बुक शेल्फ है जिसमें आप बुक्स रखते हैं ना, शेल्फ तो आपको पता ही है ना, जिसमें आप अपनी बुक्स रखते हैं, इस तरह से अलमीरा टाइप उसमें शेल्फ बनी हुई होती है। अच्छा, इसकी टोटल बुक शेल्फ की हाइट 80 सेंटीमीटर है और ये कबर्ड, नीचे कबर्ड है यानी अलमीरा, और इसके ऊपर रखी हुई है। क्लियर हो गया। और जो ये कबर्ड है इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर। क्लियर, 45 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको कि कबर्ड के ऊपर बुकशेल्फ है, कबर्ड की हाइट है 1 मीटर 45 सेंटीमीटर और इसकी 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कंबाइंड हाइट, कंबाइंड यानी दोनों की टोटल हाइट कितनी है एक साथ मिलाकर, कबर्ड एंड द बुकशेल्फ। तो कितना इजी है, टोटल हाइट पूछी है यानी ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें पता है हाइट ऑफ किसकी बेटा, बुकशेल्फ। तो हमें दिया मीटर एंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू डिजिट्स में होगा, जस्ट लाइक 80 0। अब आपको क्या गिवन है, हाइट ऑफ, यस क्या बेटा, हाइट ऑफ अ कपबोर्ड। वी हैव 1 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंबाइंड हाइट। यस, राइट है कंबाइंड हाइट ऑफ बोथ। तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ और करेंगे प्लस, कितना हुआ 0 + 5 = 5, 8 + 4 = 12, 1 carry 1 + 1 = 2, इट मीन्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ अ कपबोर्ड। क्लियर। तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी है क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन। अब आप देखते हैं कि आगे हमें क्या गिवन है, जस्ट सी इट। क्लियर, सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड हमने कट कर दिए थे, हमने किए थे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, एंड अब हम करेंगे इसका ही फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लेट्स सी फिफ्थ एंड सिक्स्थ आल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़िए पहले बेटा। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है। तो अ ड्रम फुल ऑफ ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स तो अभी आप खा भी रहे होंगे, यस सर्दी में सही रहती है बॉडी के लिए, पर बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी में। तो एक ड्रम है वो पूरा ग्राउंडनट्स से भरा हुआ है, उसका वेट कितना है, 425 kg 500 ग्राम। इफ द एम्प्टी ड्रम वेज 18 kg 400 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ द ग्राउंडनट्स इन द ड्रम। आप ऐसे समझिए कि एक खाली ड्रम था, ठीक है, ये कैसा है, एम्प्टी है, अभी बिल्कुल खाली है, और इसका जो वेट था वो कितना था, यस 18 kg and 450 ग्राम, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया,
कि जो ग्राउंडनट्स थी वो इसमें ग्राउंडनट्स पूरी ग्राउंडनट्स बहुत सारी ग्राउंडनट्स में डाल दी और ये पूरा ग्राउंडनट से क्या हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक है, अब जब इसको पूरा भर दिया आपने ग्राउंडनट से तो इसका जो टोटल वेट आया वो कितना आया, 425 kg एंड 500 ग्राम। ठीक है, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मास ऑफ द ग्राउंडनट्स, यानी कि ये तो जो वेट था वो तो ड्रम प्लस ग्राउंडनट्स का है और खाली ड्रम का वेट इतना है, तो ग्राउंडनट्स का वेट कितना है, तो हमें क्या करना है, टोटल में से ड्रम का वेट क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आपको खाली ग्राउंड का वेट पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं या पापा जाते हैं तो अंकल मान लो कि एक किसी डिब्बे में रखकर उस आपकी इस वेजिटेबल को तोलेंगे तो डिब्बे का वेट तो साथ में आएगा, तो सब्जी कम आएगी, तो आप क्या करते हैं अंकल से बोलते हैं, अंकल डिब्बे का वेट साथ में मत लीजिए, आप सिर्फ सब्जी का वेट देखिए कितना है ना, ऐसे ही होता है। यस, तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले देखना है कि टोटल वेट जो था है ना किसका, ऑफ फुल ड्रम, यानी जब ड्रम क्या था, फुल था, तो उसका वेट कितना था, राइट है, केजी है लिए ग्राम, तो 425 एंड 500, क्लियर। अच्छा, अब आपने निकाल दिया वेट ऑफ अ ड्रम, ड्रम का वेट कितना है, 18 kg एंड 450 ग्राम, क्लियर। अब हमें पूछा क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ द ग्राउंडनट्स, वेट ऑफ द ग्राउंडनट्स है ना, तो आप फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें से इसको हटाएंगे तभी तो आंसर आएगा, तो 0 माइनस 0 जीरो, मैं ठीक कह रही है, सो 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 4 जीरो, देन अगेन 15 माइनस 8 7, देन 1 माइनस 1 जीरो एंड हियर 4, यानी 400 7 kg एंड 50 ग्राम, ये किसका वेट है, ग्राउंडनट्स का वेट है, क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या है कि एक कारपेंटर है, कारपेंटर कट्स ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बिग पीस ऑफ वुड, ये एक वुड का पीस है, ठीक है, ओके अच्छा, उसमें से कारपेंटर ने क्या किया, यहां से कट कर दिया इस पीस को, और ये पीस कितना कट किया उसने, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर कट कर दिया। नाउ ही इज लेफ्ट विद अ 1 मीटर 42 सेंटीमीटर पीस ऑफ वुड, और आपके पास में अब यहां से लेके जो यहां तक इस बचे हुए पीस का जो मेजरमेंट है वो है 1 मीटर 42 सेंटीमीटर, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ, तो बताओ कि इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, तो टोटल लेंथ के लिए क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो है ना इजी, यस। तो आपका मैथ्स होमवर्क जो आज का है क्वेश्चन नंबर 6, विच एक्सरसाइज वी आर डूइंग 9.3, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है, क्लियर। तो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक विद गुड हैंड राइटिंग, ये आपका इंटरनल असेसमेंट होमवर्क नहीं है, इंटरनल असेसमेंट वर्क मैं आपको बता कर दूंगी, उस पर लिखूंगी भी, ठीक है,
सो आपको ये गुड हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करना है पूरे वर्क को, सिर्फ देख के लिखना नहीं है, नकल नहीं करनी है, इसे लिखते टाइम आपको समझना भी है कि हमें मैम ने इससे कैसे समझाया है, हमने कैसे कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, ताकि कभी भी स्टेप्स की कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। आया समझ में बेटा? तो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक विद गुड हैंडराइटिंग, नीट एंड क्लीन वर्क। ओके बेटा, बाय एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।